हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर ज्योति एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में आपके डेटाबेस में, अगर आपने कोई डेटाबेस बनाया है और उस डेटाबेस में आपको जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी कस्टमर है, उनके मोबाइल नंबर करेक्शन करना है, देखना है कि उनके सारे डिजिट्स बराबर है या नहीं है। उनके जो भी डिजिट्स है, जैसे कि आपको मालूम है मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं, तो क्या इन सभी में 10 डिजिट्स है? अगर सभी में 10 डिजिट्स है तो भाई कुछ हद तक अपन ये कह सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर ठीक है। किसी किसी में आप देख सकते हो 9 नंबर भी है। तो अपने को ये जो है 10 डिजिट्स फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्ट सब में 10 डिजिट्स ही है या उससे ज़्यादा है। तो अपन एक्सेल में कौन सी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो आइए जानते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू LEN, लेन फॉर्मूला है। लेन का पूरा नाम होता है लेंथ। जो आपके सेल में जो भी वैल्यू लिखा है उसका लेंथ आपको बताएगा। यहाँ पे लेन फॉर्मूला लगा के आपको उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें आपका वैल्यू लिखा हुआ है, जो भी आपका कैरेक्टर लिखा हुआ है, और ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। और ये आपको बता रहा है कि इसमें टोटल 10 जो है 10 इस जो है वर्ड्स लिखे, 10 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। और आप इसको जैसे आप इसको ड्रैग कर लेते हो तो आपको बता देता है कि ये सभी में 10 है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 9 कैरेक्टर्स है, जिसे आपको ये मालूम पड़ता है कि ये हमारा मोबाइल नंबर रॉन्ग है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।